सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अमृत चौधरी। और आज मैं आपके लिए आज ये टेक न्यूज आया हूँ। तो ये टेक न्यूज थोड़ी सी शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि मुझे कोई समय नहीं है, मुझे जल्दी जाना है अभी कहीं, तो ज्यादा नहीं करते, ले चलते वीडियो। तो सबसे पहले उसकी बात करूँ तो मीजू का प्रो 7 और प्रो 7 प्लस का रजिस्ट्रेशन 1 लाख से ऊपर चला गया है। यानी कि मीजू का प्रो 7 एंड प्रो 7 प्लस फोन कल चाइना में लॉन्च किया गया था। तो मैंने वीडियो बनाया था तो लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। और उसका रजिस्ट्रेशन 1 लाख से ऊपर चला जा चुका है, ऐसा रिपोर्ट बताया जा रहा है। तो काफी अच्छी फोन है वीडियो का प्रो 7 और प्रो 7 प्लस स्नैप सॉरी हीरो के X30 के साथ और P25 के साथ। तो प्रो 7 की है P25 और प्रो 7 प्लस की है हीरो के X30। तो काफी अच्छा फोन है, थम्स अप मीजू इस बार के लिए, ठीक है। और मैं अगली की तरफ बढ़ूं तो लेनोवो के 8 नोट लॉन्च हो सकता है 9 अगस्त को, ऐसा टीज आ गया है लेनोवो की तरफ से। क्योंकि 8 नोट लॉन्च हो सकता है 9 अगस्त को। तो ट्वीट किया था लेने वालों ने, स्क्रीन में फोटो देख सकते हो, ऐसी फोटो है। और फ्लिपकार्ट पे भी इसकी कुछ चीज आ चुकी है, तो शायद फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव होने वाला है। तो अब देखते कुछ अच्छी करे, लेकिन चाइना में तो वो X20 के साथ पकड़ा गया था, तो अब देखते हैं इंडिया में किस वेरिएंट से आ सकता है। और मैं आपको अगली न्यूज की तरफ बढ़ूं तो MI 3 जो कि 4 साल पुराना फोन था MI का, आज उसका फ्लिपकार्ट पे कुछ लिस्टिंग आया है। उसने आपको प्राइस है 13,999 रुपीज। उसकी लेने की गलती आप बोलते मत करना, पर ऐसे फ्लिपकार्ट बहुत ही लेजेंडरी फोन है, उसका एक फ्लिपकार्ट लिस्टिंग आ गया था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मैं आपको अगले की तरफ बढ़ूँ तो माइक्रोमैक्स का सेल्फी 2 फोन जो कि 8 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा सेल्फी कैमरा के साथ एंड्रॉइड न्यूगो के साथ लॉन्च किया गया है, यानी कि अनवील किया गया है। और इसमें आपको 5 इंच की HD स्क्रीन मिलती है, मीडिया टेक MT6737, 3 GB की रैम, 32 GB इंटरनल स्टोरेज, 8 मेगापिक्सल का रियर फ्रंट कैमरा, 30 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 3000mAh की बैटरी के साथ। तो भाई किसका कॉपी है नहीं मालूम। और मैं आपको अगली की तरफ बढ़ूँ तो सैमसंग का एक फोन है जो कि फ्लिप फोन है, W2018 एक फ्लिप फोन है जो कि स्नैपड्रैगन के 835 के साथ 6 GB की रैम के साथ और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ रिलीज आए हैं। तो यार सैमसंग के फ्लिप फोन के अपने वालों सही में नोट 8 तो लॉन्च होने दो 23 अगस्त को, तो अपना कोई फोन लाओगे। तो बहुत सारे लीक्स आ रहे हैं सैमसंग के फोन्स के, अच्छे से बता नहीं सकता मैं कि कौन फोन आने वाले हैं। और आपको अगली की तरफ बढ़ूँ तो मार्क जकरबर्ग जो कि फेसबुक के फाउंडर थे वो 5th richest man हो गए हैं, जो कि अमेज़न के जेफ कुछ थे उनका वो फर्स्ट हुए थे कल, और आज मार्क जकरबर्ग 5th richest man हो गए वर्ल्ड के जो कि फेसबुक के फाउंडर रहता हूँ। तो थम्स अप। और मैं आपको अगले की तरफ बढ़ूँ तो एयरटेल अपना एक फ्यूचर फोन बनाने की प्लानिंग में लगा हुआ है, ऐसा कुछ बताया जा रहा कि आज लिक्स कि एयरटेल शायद एक बंडल ऑफर फीचर 4G फ्यूचर फोन के साथ आज कर सकता है जो कि जियो से अच्छा होने वाला है। तो वोडाफोन और आइडिया मर्ज होकर कुछ अच्छे करने वाले हैं, तो एयरटेल भी कुछ धमाल मचाने वाला है जल्द ही इंडस्ट्री में। तो वेट करना भाई एयरटेल वालों के लिए, ये कुछ भी धमाल मचा सकते हैं वो। और मैं आपको अगली की तरफ बढ़ूँ तो हुआवे का मेट 10 बेजलेस स्क्रीन के साथ लॉन्च किया जा सकता है जो कि सितंबर के महीने में लॉन्च किया जाएगा, और वो शायद आईफोन 8 को बीट कर सकता है बेजलेस स्क्रीन के साथ लॉन्च किया जा सकता है हुआवे का मेट 10। तो सिर्फ उड़ती खबर आई है कि बेजलेस स्क्रीन के साथ लॉन्च किया जा सकता है, सही में क्या न्यूज़ है नहीं मालूम। और मैं आपको अगली की तरफ बढ़ूँ तो सोनी का एक फोन है जो कि G8341 जो कि स्नैपड्रैगन के 835 के साथ कुछ लीक्स हुआ है, यानी कि लीक आया है। तो सोनी काफी सारे फोन के लीक आ रहे हैं, अब नहीं मालूम कौन सा फोन आने वाला है ये वाला। और मैं आपको अगली की तरफ बढ़ूँ तो थोड़ा मैं फास्ट दे रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना है, तो ये सिर्फ 5 मिनट एकदम शॉर्ट अपडेट दे रहा हूँ मैं। और मैं आपको अगली की तरफ बढ़ूँ तो नोकिया शायद अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में लुमिया UI का कैमरा लॉन्च ला सकता है, तो लुमिया की UI का कैमरा ला सकते हैं, यानी कि जो कि लुमिया के UI कैमरा में आपको इंटरफेस मिलता था, अब वो नोकिया के एंड्रॉयड फोन में इंटरफेस मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छी बात है यार नोकिया वालों की कि अब वो कुछ लाएंगे, यानी कि कुछ तो लाए नोकिया 6 5 तो पल इंडिया में लो, ठीक है। और मैं आपको अगली की तरफ बढ़ूँ तो सैमसंग इंटेल को ओवरटेक कर लिया है सबसे ज़्यादा चिप बनाने में, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी S8 और S8 प्लस बहुत ज़्यादा बिका है, तो सैमसंग इंटेल को ओवरटेक कर लिया चिप बनाने में। तो अच्छे से मुझे न्यूज़ मालूम नहीं है तो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये टेक न्यूज़ की बात जो टेक न्यूज़ आया मैंने आपको बता दिया। सो आज की मेन हाईलाइट थी कि 8 नोट लॉन्च होने वाला 9 अगस्त को, और ऐसी सब खबर आए थे।
तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, इफ यू डिडंट वोट इट ऑन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो आज से शॉर्ट न्यूज़ है, कल से आपको पार्ट टाइम न्यूज़ मिलेगी। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।